हेलो स्टूडेंट्स आज आप अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अ सेट ऑफ लेटर्स दैट आर यूज्ड टू मेक वर्ड इज नोन एज एन अल्फाबेट इन्हीं लेटर्स का ऐसा सेट जो कि वर्ड्स को बनाने में यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं अल्फाबेट्स कहते हैं तो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 26 और दीज लेटर्स कैन बी रिटर्न इन टू फॉर्म्स इसको आप दो तरीके से राइट कर सकते हैं एक है स्मॉल लेटर्स स्मॉल लेटर में आप ये देखिए स्मॉल लेटर्स हैं ए टू जेड सेकेंड है आपका कैपिटल लेटर्स और ये कैपिटल लेटर में आप ऐसे राइट करते हैं ओके स्टूडेंट्स फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स आर यूज फॉर साउंड दैट कैन बी स्पोकन अलोन इसमें से 26 लेटर में से फाइव ऐसे लेटर्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं केवल ओके okay? तो दे आर क्या है आपके ए ई आई ओ यू इसे आप <coughs> वोवल लेटर्स भी कर सकते हैं द रिमेनिंग 21 लेटर्स यानी जो 21 लेटर्स बचते हैं टेक ऑफ द हेल्प टेक सॉरी टेक द हेल्प ऑफ दर्वल टू साउंड देखेंटी के बाद जो बचते हैं फाइव निकालने के बाद बचते हैं इनको आप क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट में आपके बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एम देखिये ओ नहीं है ए नहीं है ओके okay? ए आपके अल्फाबेट्स में से निकाल दिए जाएं तो जो बचते हैं वो आपके कॉनटोनेंट में आते हैं नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है तो द 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर ये जो आपके 26 लेटर्स हैं अल्फाबेट के वो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं जिसको हम क्या कहते हैं नोन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर और A, B, C order. तो जिसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर ये जो ऑर्डर होता है में और लाइब्रेरी में यूज होता है डिक्शनरी आप जानते हैं लाइब्रेरीज भी आप जानते हैं डायरेक्टरीज क्या होती है पहले फोन बुक हुआ करती थी उसमें सारे लोगों के नेम और नंबर हुआ करते थे ओके डिक्शनरी वर्ड्स आर इट इजी टू फाइंड होते हैं, हैं। इससे उस वर्ड को फाइंड करना इजी हो जाता है और उसकी मीनिंग हमें पता चल जाती है इफ वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर मान लीजिए कोई लेटर्स uh, है जो कि सेम लेटर से स्टार्ट होता है जैसे जी ओडी क्या होता है गॉड और जी डबल ओडी गुड दो के दोनों आपके जी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम कैसे यहाँ पे क्या करेंगे इसका सेकेंड लेटर देखेंगे अब सेकेंड लेटर क्या है ओ ओ दोनों में ओ है तब क्या करेंगे आप थर्ड लेटर देखेंगे तो गॉड में थर्ड लेटर क्या आपका डी है और जबकि गुड में थर्ड लेटर क्या है ओ है यानी गॉड आपका पहले आएगा और गुड आपका बाद में आएगा डिक्शनरी में ओके यही है, यहाँ पे इफ द सेकंड लेटर आर आल्सो द सेम हम्म जैसे मैंने बताई दिया पहले ओके तो थर्ड लेटर आप देखते हैं द थर्ड लेटर इन गुड सॉरी गॉड एंड गुड आर डिफरेंट तो थर्ड लेटर क्या था यहाँ गॉड में डी था और यहाँ पे ओ था तो दीज आर डी एंड ओ ओके तो मैंने बता दिया इसके बारे में आपको पहले ही इन टेलीफोन डायरेक्टरी आर आल्सो नेम ऑफ पर्सन अभी मैंने ऊपर बताया था डायरेक्टरी क्या होती है तो डायरेक्टरी में क्या होता है नेम ऑफ पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो पर्सन के नेम होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं सो इट इज इजी टू सर्च द टेलीफोन नंबर ऑफ एनी पर्सन शॉर्टली इससे आप किसी पर्सन का टेलीफोन नंबर इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं इन लाइब्रेरी टिकल ऑर्डर तो लाइब्रेरीज में जो बुक्स होती है वो कैसे अरेन्ज होती है जो अथर्स होते उनके जो राइटर होते हैं बुक्स के उनके सर नेम के यानी फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ओके okay?